हमारी ऑडियंस को आप पूरा दिखाइए कि यहाँ पे मतलब हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते इतनी रॉयल तरीके से इस गाड़ी को यहाँ पे रखा गया है। मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहती हूँ, यहाँ पे एल्विस का माइक भी रखा हुआ है जो कि उनकी पहचान है गाड़ी के जस्ट सामने, क्योंकि वो परफॉर्म करते थे अपने माइक के साथ, तो उनकी गाड़ी और माइक दोनों यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये BMW के लिए एक्चुअली बहुत ही हिस्टोरिकल बात है कि एल्विस सिर्फ उनकी गाड़ी यूज करते थे। देखिए क्या गाड़ी है, सिर्फ एक पीस, इसका दूसरा एक भी पीस नहीं बना, मतलब ये कि ये नायाब पीस है, ये नायाब जस्ट वन कोहिनूर जैसा, ये उनके लिए कोहिनूर है। देखिए आपने कितने उन्होंने संभाल के रखा है, रेड कारपेट पे ऐसा कोई गाड़ी आपने देखा नहीं रखा था, बिकॉज ये वन पीस है। और इसकी खास बात ये है कि एल्विस ने यूज किया, इसलिए ये दिखाइए माइक, एल्विस का माइक। और ये जो आपने एल्विस की कार देखी, नया पीस, एक ही पीस दुनिया में, और रेड कारपेट बड़े सलीके से रखी हुई है, ये जैसे कोहे नूर हीरा रखा जाता है वैसा है। और ये है, और ये माइक है। हाँ, माइक के लिए आपने बताया नहीं क्या था? अच्छा, एल्विस का माइक है, ये माइक बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको लगा जैसे यूं ही है, एल्विस का माइक है और वो वहां पे रखा गया, ये इनकी याद के लिए है। और लिखा है नीचे, लिखा है बी द स्टार, ऑफ कोर्स हमने भी छू लिया तो थोड़ा बहुत असर उनका हमारे को भी आ जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू फ्रेंड्स।